वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेबल और डाटा का एग्राहवा भाग तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को जो है शेयर कर दें आपके पास जितने भी व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कर दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देश है कि अड़तालीस से बावन जो है क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित सारणी में पांच व्यावसायिक फर्मों द्वारा विभिन्न कार्य दिवसों को का आवेदक के साक्षात्कार संबंधी विवरण दिया गया है आप सावधानी पूर्वक की सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए यह फॉर्म है ए बी सी डी और ई और ये, ये कार्य दिवस है अब पहला क्वेश्चन अड़तालीस क्या कह रहा है कि फॉर्म डी में शुक्रवार एवं शनिवार को मिलाकर और फॉर्म डी यहाँ है बात कर रहा है शुक्रवार की तो फॉर्म डी में शुक्रवार को कितना है पंद्रह है और शनिवार को कितना है शनिवार की बात करें तो पंद्रह है और ये शनिवार को पंद्रह शुक्रवार को पंद्रह और शनिवार को बीस और मिला कर तो दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा हो जाएगा पैंतीस अब कह रहा है कि जबकि संख्या यूँ यूँ फॉरम बी में फॉर्म बी ये है उन्हीं में जो है उन्हीं दिनों को साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की संख्या के बीच का जो है अनुपात ज्ञात करना है और फॉर्म बी है और ये दिन यही है तो दस शुक्रवार में और शनिवार में छब्बीस तो कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा छत्तीस और हमें यही अनुपात निकालना था तो पैंतीस अनुपात जो है छत्तीस इसका राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है उनचास क्या कह रहा है कि फॉर्म सी में बुधवार को साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की संख्या उसी दिन सभी फर्मों में साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है तो फॉर्म सी यहाँ है और कहाँ बुधवार की बात कर रहे हैं तो बुधवार कितना बुधवार में कितना है तेईस है तो तेईस अब किससे डिवाइड करना है तो कुल आवेदकों का किस में तो जो है उसी दिन सभी फर्मों में यानी जो है सी है ना ये सी में जो है बुधवार में ये बुधवार है तेईस है अब कह रहा है कि उसी दिन सभी फॉर्मों में अब दिन तो बुधवार ही रहेगा और उस टोटल फॉर्म यानी तेईस बाईस और तेईस और उसके बाद बारह और अट्ठारह अगर हम जो है पांचों को जोड़ देंगे पाँचों को जोड़ देंगे तो ये जोड़ने के बाद कितना आएगा अंठानबे आएगा नाइन्टी एट तो इसी से हमें परसेंटेज निकालना है तेईस बट्टा अंठानवे गुने सौ कर देंगे तो ये तकरीबन जो है लगभग तेईस पॉइंट फोर परसेंट आएगा तो यहाँ हमें तकरीबन निकालना है तो तेईस परसेंट जो है इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पचास है कि किस फर्म में जो है साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की संख्या सोमवार से शनिवार तक घटती रहे अब घटने की बात कर रहा है तो अगर हम फर्म ए की बात करें तो सत्रह फिर इक्कीस हो गया फिर तेईस से बढ़ता जा रहा है और बी में बात करें तो बी में भी बढ़ता जा रहा है सी में भी सेम ही है पर यहाँ घट पे इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर दो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी फर्मों को मिलाकर सोमवार को साक्षतकार साक्षाकार में शामिल आवेदकों की संख्या क्या है सभी फर्मों को मिलाकर ये सोमवार यहाँ है ना अब ये सोमवार है और सभी फर्म को जो है साक्षात्कार में आवेदकों की संख्या यानी टोटल जोड़ना है तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो इसको अगर आप जो है सत्रह अट्ठारह और तेईस पच्चीस और अट्ठारह को जोड़ेंगे तो हमारा राइट जो है आंसर आ जाएगा एक सौ एक तो ऑप्शन नंबर वन जो है इसका राइट आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बावन क्या करें कि फॉर्म ई में मंगलवार को साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की संख्या में सोमवार को उसी फर्म के साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि है अब ई में जो है ई कहाँ पे है ये है बी में मंगलवार को मंगलवार को कितना है पच्चीस है हमने पच्चीस लिख दिया अब जो है क्या कह रहा है कि शामिल अवधि की संख्या में सोमवार को अब सोमवार ये है ये तो पच्चीस हमने लिख दिया ना मंगलवार को अब सोमवार को कितना है उसी फर्म में तो अट्ठारह है तो ये जो है सोमवार को अट्ठारह है और मंगलवार को पच्चीस है कितने की वृद्धि है पच्चीस माइनस अट्ठारह करेंगे तो कितने की वृद्धि होगी सात की वृद्धि होगी ना और ये सात की वृद्धि जो है किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है कह रहा है कि सोमवार को उसी फर्म के साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की संख्या से यानी ये अट्ठारह से के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो सात बटा अट्ठारह और गुने सौ तो आप जो है इसको अब सॉल्व कर सकते हैं ये कट जाएगा पचास धुनी सौ और ये नौ धूनी अट्ठारह सात पचे पैंतीस यानी तीन सौ पचास बटर नौ अगर आप इसको जो है डिवाइड करेंगे तो तकरीबन कितना अड़तीस पॉइंट एट आएगा यानी जो है उनचालीस के बराबर हो जाएगा कितना आएगा अड़तीस पॉइंट एट और ये जो अड़तीस पॉइंट एट है किसके बराबर होगा उनचालीस के बराबर होगा तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका पी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ से जो है ये डाउनलोड करें